Hello ma'am, how can I help you? I want to withdraw my money from my account. How much money do you want? I want 60,000 rupees. Okay, fill the withdraw form and get your money. Here, it is your withdraw form. 3, 4, 5, 6. Please take your money. Thank you. Bye. बहुत सोना, क्या बात है सारी इतना, मतलब ऐ लगता ही नहीं वैसे जैसे CBSE के किसी बड़े स्कूल चला के रहे हैं इस वक्त भी उत्थे हो गए बच्चे सारे इंग्लिश के टॉक कर रहे गलबात कर रहे अपनी सारी सर अजकल जड़ा पेरेंट्स दा रुझान है हर पेरेंट यह चाहता है कि मेरा जड़ा बच्चा है वो उहदी स्पोकन वधिया होवे नो डाउट जिहड़ी साडी मदर टंग है पंजाबी है साडे लई बहुत जरूरी है बच्चे घरों सीखते हैं स्कूल भी उन्होंने पढ़ाई जाती है बट जी इंग्लिश है थोड़ा पेरेंट्स अपन जिम्मे जानते हैं थोड़ा घर का माहौल वह नहीं हों तो सू इस करके थोड़ी जी ज़्यादा स्ट्रैस देनी पैंती है कि बच्चे वेद भी चंगे बोल सकन तो इस करके साड़ी जी कोशिश है वो बच्चों इन्नी करन दी है कि बच्चों की जी स्पोकन है वो बहुत वधिया होवे पेरेंट्स नू कदे यह ना लगे कि किसी कमी के कारण वो आपके बच्चों नू CBSE या ICSE स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे जी इस एक सरकारी स्कूल इन्नी वधिया इंग्लिश बोलनी क्योंकि साढ़े लिया जाता है कि जेडे बच्चे इंग्लिश नहीं बोलनी आती बेशक एक भाषा ही है इस तो वड्डा कुछ भी नहीं पर लगता है कि वह नलायक ही है सर बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग चो यही चीज़ कढ़न वास्ते असी इस सब्जेक्ट पर काफ़ी जोर लगा रहे हैं ठीक है जी मतलब फिफ्थ के बच्चे इन्हों इंग्लिश बोलनी होती है ये तो आइलेट्स बहुत सौखा कर जाएंगे इंग्लिश फिर एक कदों सीखी फिर इन्नी आया इस तरीके डील करना भी बैंक के जाना इस ये वर्ड यूज करने हैं सर सान बोलो बोलो बेटे सर मैम सिखाते हैं जी सानू सिखाया हाँ जी ये सारा ठीक है मतलब इंग्लिश बोलनी हो तो आनो आंदी है हाँ जी कोई दिक्कत नहीं होती नहीं जी ठीक है तो आनो भी यस सर कोई तो बोल दी इंग्लिश चलो की नाम है तो नाम दसो प्रीत कौर तो नाम खुशदिल कौर ठीक है